स्टडी विद सीएस के में स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा, मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ और साइंस में आपको मैंने जो पढ़ाया था पहले ह्यूमन आईज, जिसने मेरी वीडियो देख ली है और जो भाई दोस्त मेरे भाई बंधु नए हैं इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो मैंने ह्यूमन आईज पढ़ाई थी उसको मेरी वीडियो को जाके देखिए और उसके बाद कमेंट कीजिए और बताइए मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो अपना जनरल साइंस में चल रहा था फिजिक्स, फिजिक्स में मैंने पढ़ाया था आपको ह्यूमन आईज, मानव नेत्र। आज मैं पढ़ाऊँगा साउंड। ठीक है, तो वीडियो को चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे हमारा अपकमिंग एग्ज़ाम है एनटीपीसी या ग्रुप डी हुआ, चांस तो आरआरबी एनटीपीसी के हैं जो 15 दिसंबर से अभी हाल फिलहाल में वीडियो में बताया था हमारे बीके यादव जी ने, तो 15 दिसंबर से आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम स्टार्ट होने की संभावना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही थोड़ा टारगेट बनाते हुए मैं अपने साइंस का पार्ट जो है कंप्लीट कराऊंगा। बाकी तो अपने चैनल पे मैथ कौशिक जी पढ़ा रहे हैं और रीजनिंग हमारा चल ही रहा है भाई कौशल, तो प्री के लिए तो तीन ही है हमारा, जनरल साइंस में ही करंट अफेयर इंक्लूड हो गया भाई, रीजनिंग 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, 30 मैथ्स के, मैथ हमारा कौशिक जी करा ही रहे हैं और जनरल साइंस और करंट अफेयर में हो पाए संभावना है 100%। कल से मैं आपको करंट अफेयर भी प्रोवाइड करने लगूंगा और अरबी एनटीपीसी के लिए, और जो वनडे एग्जाम है और जो हम यूट्यूब चैनल पे हैं एसएससी वाले भी कुछ बंदे होंगे तो उसके लिए ही वही करंट अफेयर हेल्पफुल होगी, और करंट अफेयर को आपको डेली बेस 10 क्वेश्चन दिया करूँगा और आप उनको पहले करंट अफेयर का ऐसा होता है सीन, देखो बच्चों पढ़ दो बहुत लेते हैं करंट अफेयर, मगर ज़्यादा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों, मेरा कम पढ़ो और उसको रिवाइज करो। मतलब मैं सपोज कर लो आज 10 क्वेश्चन जो मैंने बताए तो आपने पढ़ लिया, कल बताऊंगा कल पढ़ लिया, तो 3 दिन पे हर अल्टरनेट 3 डेज, 3 दिन की पढ़ ली तो जो तीसरा दिन है उसको 3 दिन की पिछले 3 दिन की करंट अफेयर आपको रिवाइज करनी है, फिर अगले 3 दिन हुए फिर उस 3 दिन की रिवाइज करनी है सैटरडे को, फिर जब संडे पड़ेगा तो आप 3 बार 6 के 6 दिन की करंट अफेयर को रिवाइज कर चुके होंगे। इस तरीके से करंट अफेयर करना, करंट अफेयर का बहुत बहुत बड़ा रोल रहेगा प्री एनटीपीसी एग्जाम में, क्योंकि 10 से 12 करंट अफेयर आपको मिलेगी मिलेगी 30 क्वेश्चन में से, 40, हाँ जो 40 क्वेश्चन का हमारा पोर्शन रहेगा उसका साइंस का और करंट अफेयर का स्टेटिक्स का, उसमें से 10 से 12 करंट अफेयर आपको मिलनी है। चलो ठीक है, वीडियो स्टार्ट करता हूँ, टाइम को वेस्ट ना करते हुए आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं। सपोज कर लो 15 दिसंबर से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, तो आज हो गई 21 समथिंग बच्ची हैं 25 और 30 दिसंबर, मतलब आप हमारे पास जो हैं कुल 55 डेज हैं। ठीक है, 55 डेज में सब फिजिक्स के 9th में हैं 4 से 5 चैप्टर हैं और 10th में हैं 4 से 5 चैप्टर, तो ये 8 से 10 चैप्टर होंगे। सपोज कर लो संभाव मैं कोशिश कर पाऊँगा कि एक चैप्टर आपका दो दो वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा हर दिन, मतलब 10 दिन के अंदर 10 चैप्टर, 10 दिन नहीं तो 12 से 14 दिन में आपकी फिजिक्स समाप्त कराने की कोशिश करूंगा प्री बेस जो हमारा CVT 1 होएगा, और 15 दिन में हो जाएगा हमारा केमिस्ट्री जो डिक टेबल से जो क्वेश्चन उठते हैं वो ग्रुप डी में उठाए गए हैं, और उसी बेस क्या हमारा कौन सा ट्रांजिएंट एलिमेंट होता है, क्या क्षारीय धातु मृद धातु, ये सब तरीके की आपके पीरियोडिक टेबल ऊपर ऊपर अकॉर्डिंग टू प्रीवियस क्वेश्चन बेस समझाने के बाद क्वेश्चन के थ्रू आपको मैं बताऊंगा कि यह क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, और 15, 15, 30 और 25 दिन में आपकी बायोलॉजी कंप्लीट करा दी जाएगी। ठीक है, तो ये टारगेट है आपको फिजिक्स, आप चैनल पर बने रहिए और फिजिक्स को जो मैं पढ़ा दूंगा 10 से 12 दिन आपको उसको दो दो बार रिवाइज करना है जिससे कि आपको हर एक चैप्टर लग जाए। ठीक है, तो जैसे गति है 9th क्लास में गति के नियम हो गए, फिर कार्य एंड ऊर्जा, और तुम्हारा हुआ मानव नेत्र था और रंग बिरंगा संसार, ये तुम्हारा हो गया 9th क्लास के फिजिक्स हो गई ये, और तुम्हारा हुआ
टेंथ में क्या है, लाइट है, प्रकाश, मतलब प्रकाश इसी में हो जाएगा हमारा, प्रकाश का परावर्तन एंड अपवर्तन, और क्या है हमारा, विद्युत, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है, और है हमारा साउंड चैप्टर भी इसी में है, ध्वनि। ये हमारे 4-5 चैप्टर हैं ओवरऑल, मतलब ये आपकी फिजिक्स शायद 10 से 12 दिन में मैं कवर करा दूंगा। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था मानव नेत्र, तो उसमें मैंने एक दो टॉपिक बताए दिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है मानव नेत्र का न्यूनतम पॉइंट कितना होता है, मतलब मानव नेत्र की जो वह दूरी जो मतलब कम से कम दूरी पे भी सुस्पष्ट मतलब क्लियर देख सके, तो वो होती है हमारी 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम दूरी, अधिकतम दूरी मतलब अधिकतम दूरी कितनी होगी, वो होगी हमारी फार पॉइंट, तो फार पॉइंट कितना होता है, अनंत, क्योंकि आपने देखा होगा हम माप नहीं पा सकते हैं, आप बादल में भी हम रात को तारों को क्लियर देख पाते हैं, तो ये हो गया हमारा अनंत। चलो ठीक है, अब आते हैं अपने चैप्टर पे, साउंड। देखो साउंड है क्या, एक्चुअल में साउंड जो है हमारी एक साउंड जो है एक एनर्जी फॉर्म है, साउंड जो है हमारी, साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, और एनर्जी क्या होता है, एनर्जी को ना ही तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्टोर्ट किया जा सकता है, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे हमारा क्या है, साउंड काम करता है, साउंड ना इधर भी क्रिएटेड और ना इधर भी डिस्टोर्ट, ठीक है, तो साउंड नोट डाल लीजिए पॉइंट, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्या है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, छोटे छोटे टॉप वो जो होते हैं पॉइंट हमारे पूछ लिए जाते हैं, ठीक, और प्रोडक्शन ऑफ साउंड, प्रोडक्शन जो होता है हमारा साउंड का वो किस माध्यम से होता है, तो साउंड को मतलब ध्वनि है, तो ध्वनि जो हो रही है हमारी उसको बोलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत है, जब मैं बोल रहा हूँ तो बीच में कोई मीडियम होगा, मीडियम क्या है हमारा, एयर, तो एयर क्या है इन इस केस में हमारा, क्या है साउंड जो है, साउंड जब हम क्रिएट हो रही है तो उसके लिए मीडियम क्या है हमारा, एयर है, एयर साउंड का जो मीडियम होता है हमारा वो है हमारा एयर, और एयर में कुछ पार्टिकल होंगे, पार्टिकल तो पार्टिकल के मूवमेंट जो होएगा, मतलब पार्टिकल के मूवमेंट होने के कारण क्या है, हमारा साउंड को सुन पा रहे हैं, और जो मनुष्य है या हम बोल रहे हैं तो वो किस किस माध्यम के थ्रू हो रहा है, हमारे जो ये कंठ है गले में क्या पाया जाता है, वाक् तंतु, वाक् तंतु जो पाया जाता है इसको वोकल कोड बोलते हैं, वोकल कोड वाक् तंतु, मनुष्य जो मैं मनुष्य से जो साउंड क्रिएट होता है वो हमारे वाक् तंतु में जो है संचरण प्रोपेगेशन के कारण क्या होता है, वाइब्रेशन जो होता है ना वो वाइब्रेशन वाक् तंतु में होता है, उसके कारण हमारा क्या होता है, साउंड क्रिएट होता है, और जब जो बोल रहे हैं एयर में किसकी आ रहा है, एयर में कुछ पार्टिकल होते हैं, धूल वूल आपने देखा होगा, कहीं बाहर जाते हैं हम तो धूल मट्टी ये सब, तो हम बहुत से पार्टिकल ऐसे होते हैं देख नहीं पाते हैं, तो ये हमारे क्या है इन्वायरमेंट में, और ये सारे क्या पार्टिकल होते हैं, इन पार्टिकल के मूवमेंट के कारण ही हमारा साउंड क्रिएट होता है, ठीक है दोस्त, ये थोड़ा आपको समझने में बोरिंग लग रहा होगा, मगर जो चीज मैं ये बता रहा हूँ ना, जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, या अभी मैं जब चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद 20 से 30 क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, पहले टॉपिक को समझाऊंगा उसके बाद 20 से 30 क्वेश्चन जो कराऊंगा आपको, तो अचानक आप मतलब 100% क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहेगा किसी भी आंसर में, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, तो इन चीज़ों को आप समझिए, मनुष्य में मैंने बताया साउंड क्रिएट किसके कारण होता है, वोकल तंत्र जो हमारा वोकल कोड होती है वाक् तंतु, उसकी वाइब्रेशन के होने से साउंड क्रिएट होता है, ठीक है, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड मैं बता देता हूँ, मतलब संचरण जो हो रहा है वो तरंगों के संचरण से इस प्रकार हमारा साउंड क्रिएट होता है, प्रोपोगेशन ऑफ वेव, मतलब तरंगों का क्या होता है, संचरण, संचरण ऑफ संचरण, तरंग,
देखा होगा आपने, जब सपोज कर लो ऐसा जो अब या मीडियम है, मीडियम की बात बताई, मीडियम हमारा क्या होता है, मीडियम सॉलिड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है या लिक्विड भी हो सकता है, लिक्विड एंड एयर, मतलब किसी भी प्रकार का हमारा मीडियम हो सकता है साउंड को क्रिएट करने के लिए। सॉलिड का फॉर एग्जांपल, जब हम देखा होगा 10th या 12th हमने की होगी या जब छोटे होंगे हमने, क्लासों में क्या होता है, जब हम स्कूल में बैठे होते हैं, ये बेंच होती है और लोहे की बेंच है, यहाँ पर कोई कान लगाए बैठा है और यहाँ पे किसी ने पेन मार दिया, डिब्बा मार दिया, ये लोहे की बेंच है तो ये सॉलिड हो गया, तो ये सॉलिड माध्यम में भी आपके कान पे यहाँ पे साउंड पहुँचता है, मतलब सुन पाते हैं हम। तो ये तो एक एज ए सॉलिड का एग्जाम्पल हो गया। सपोज करो अब लिक्विड की बात है, जब हम पढ़ाई करते वक्त वापस घर को लौटते थे तो ये तालाब है, तालाब में होता है शैतान, बच्चे होते हैं, हर कोई शैतानी करता है, तो क्या उठाया, पत्थर उठाया और तालाब में फेंक दिया, तो तालाब में क्या होगी, इस तरीके से क्रिएट हो जाती थी हमारी वेव। तो यहाँ पर मीडियम क्या हो गया, यहाँ हो गया हमारा पानी में मीडियम वो लिक्विड, तो ये लिक्विड है, क्या है हमारा मीडियम तालाब के केस में, और ये कौन सा मीडियम हुआ हमारा सॉलिड। और एयर का मैंने एग्जाम्पल ही बताया, साउंड जो हम बोल रहे हैं वो एयर में ही क्रिएट हो रही है, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, साउंड को बोलते समय ये हो गया। तो सॉलिड एंड गैस या लिक्विड एंड एयर, तो ये होते हैं तीन, मतलब तीनों मीडियम में से भी कोई सा मीडियम भी साउंड के केस में हमारा हो सकता है। और तरंगों का संचरण मतलब प्रोपोगेशन, जैसे तालाब में क्रिएट हो रहा था ऐसे ही क्या होता है हमारा प्रोपोगेशन ऑफ साउंड होता है। अब वेव हुआ, वेव, अब आ गई बात वेव की, वेव हमारे कितने प्रकार की होती है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, मैं आपको बता देता हूँ वेव और तरंग के बारे में, ALP और टेक्नीशियन ग्रुप डी में ही पूछा गया है। वेव वेव कितने प्रकार की होती है, वेव और वेव तरंगे मतलब वेव तरंगे, वेव हमारी कितनी प्रकार की होती है, दो, एक तो होती है मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव, एक होती है हमारी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। अब मैकेनिकल वेव भी हमारी दो प्रकार की होती हैं, मैकेनिकल वेव को क्या कहते हैं हम, यांत्रिक तरंगे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या कहेंगे हम, विद्युत चुंबकीय। विद्युत चुंबकीय वेव, वेव कितने प्रकार की होती है दोस्तों, हमारी दो प्रकार की होती हैं, मैकेनिकल वेव एंड इलेक्ट्रो मैकेनिक वेव। मैकेनिकल वेव क्या होती है, यांत्रिक तरंगे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। और पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में, पूछा भी गया है कि मैकेनिकल वेव को मीडियम की जरूरत होती है कि नहीं होती, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम की जरूरत होती है तो नहीं होती है, तो मैं आपको बताता हूँ, मैकेनिकल वेव बिना मीडियम के द्वारा क्रिएट नहीं हो सकती, इसलिए मीडियम की जरूरत होती है, ये पूछा गया है हमारा ALP टेक्नीशियन वगैरह में क्वेश्चन, तो 2019 में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में वेव हमारा मीडियम की जरूरत नहीं होती। अब इसको याद कैसे रखेंगे दोस्तों, देखो यहाँ पे क्या है हमारा मैकेनिकल, मैकेनिकल वेव है तो मैकेनिकल से क्या है हमारा मीडियम, तो मीडियम की जरूरत जरूर होगी इस केस में, इलेक्ट्रो जब एक केस हमको पता है कि मैकेनिकल वेव में मीडियम की जरूरत होती है, तो दूसरे केस की हमें याद करने की जरूरत है तो नहीं, क्योंकि क्रिएट पता ही चल गया, मैकेनिकल में मीडियम की जरूरत है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मीडियम की जरूरत नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या है हमारा एक्सरे, एक्सरे में मीडियम की जरूरत नहीं है, अल्ट्रावायलेट किरण, अल्ट्रावायलेट रे, जैसे रेडियो हुआ, ये हमारे क्या है एग्जाम्पल हो गए, फॉर एग्जाम्पल इस केस में हमारी क्या है मीडियम की जरूरत है, लाइट जल रही है हमारी, ठीक
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वैक्यूम में कोई जरूरत है, बट साउंड को क्या है, साउंड को मीडियम की जरूरत है। जैसा चांद पे चला गया, मैंने अनुवाद में चला गया, मेरा साउंड वहां पे सुनाई देगी, मैं बोलता रहूंगा इस तरीके से। जब हम क्या होता है, वैक्यूम में चला जाता है, निर्वात में चला जाता है, तो हमको सुनाई नहीं देता, हम बोलते रहेंगे मगर निर्वात में साउंड क्रिएट नहीं होती है। तो क्या हो गया, मीडियम की जरूरत हो गई मैकेनिकल वेव में, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, हमारा बिना मीडियम के ही काम चल जाता है ट्रांसवर्स वेव में। ठीक है, अब देखो क्या है हमारी मैकेनिकल वेव। अब मैकेनिकल वेव में भी पूछ लिया जाता है मैकेनिकल वेव कितने प्रकार की होती है, तो हमारी मैकेनिकल वेव कितनी प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक होता है हमारा लॉन्गिट्यूडिनल वेव, और दूसरा होता है हमारा ट्रांसवर्स वेव। इन दोनों को मैं भी अच्छे से समझाऊंगा, क्वेश्चन बनेगा तो कोई डाउट नहीं रहेगा। लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होती है हमारी, अनुदैर्ध्य तरंगे, और ये होती है हमारी अनुप्रस्थ तरंगे। साउंड क्या है, साउंड भी एक क्या है, मैकेनिकल वेव में लॉन्गिट्यूडिनल वेव का ही पार्ट है। मतलब अभी मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल में कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होती है और ट्रांसवर्स वेव क्या होती है। ठीक है, तो आपको ये आपको नोट कर लिया होगा, आई होप। मैं मिटा देता हूँ, देख लीजिए, लिख लीजिए इसके एग्जाम्पल वगैरह। साउंड में तो ये पता गया, मैकेनिकल वेव में मीडियम की जरूरत होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मीडियम की जरूरत नहीं होती है। एक्सरे हुआ, अल्ट्रावायलेट हुआ, रेडियो हुआ, ये सब क्या हमारा। अब यहाँ है लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव, इन दोनों का एग्जाम्पल आपको बताता हूँ मैं, उसके बाद आप समझना। सपोज कर लो लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, हमारे लॉन्गिट्यूडनल में जो वेव होती हैं किस प्रकार से मूवमेंट करती हैं, या अप डाउन, और उसके जो पार्टिकल हैं, कण के पार्टिकल हैं, वो किस डायरेक्शन में मूव करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि वेव की डायरेक्शन में ही जो कण पार्टिकल करेंगे वो हमारी कौन सी वेव कहलाई जाएंगी, तो वो होती हैं हमारी वो होती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। और वेव की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर या 90 का एंगल बनाएंगी तो वो कौन सी हमारी वेव कहलाएंगी, वो कहलाएंगी हमारी ट्रांसवर्स वेव। मैं आपको समझाता हूँ, देखिए क्या होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, दूसरी क्या होंगी हमारी, ये होंगी अनुदैर्ध्य तरंगे, और ये होती है हमारी लॉन्गिट्यूडनल, और दूसरी होती है अनुप्रस्थ तरंगे। ट्रांसवर्स वेव लॉन्गिट्यूडनल, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है हमारा, इसको एक साइड से स्प्रिंग का है, एक फिक्स है, ये हमारा साइकिल का स्प्रिंग या कुछ भी है। सपोज करो मैंने स्प्रिंग खींच दिया, इधर से खींच दिया, तो स्प्रिंग जब मैं खींचूंगा तो ये खींचेगा तो फैलेगा, खींचने के बाद कंप्रेस होएगा, फिर वापस आएगा, खींचेगा तो फैलेगा। तो ये क्या है हमारा, इसका डायरेक्शन का मूवमेंट किधर हो रहा है, पीछे आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है। तो इसके पार्टिकल भी जो होंगे ना, कण, इस पर जो कण होंगे, पार्टिकल धूल के कण होते हैं। सपोज करो जैसे आप गद्दे पे मारते हैं ना, जब गद्दे पे धूल उल मिट्टी होती है और डंडा मारते हैं तो ऊपर उठते हैं मेरे कण के पार्टिकल। ऐसे ही जो बाइक खड़ी है या साइकिल खड़ी है या स्प्रिंग जो लगा होता है, गांव में होगा, बच्चों ने देखा होगा, तो धूल तो जरूर स्प्रिंग पर होएगी ही होएगी। तो जब स्प्रिंग का हमारा मूवमेंट आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, तो इस पर कण भी जो होंगे ना, आगे जाएंगे, पीछे जाएंगे, आगे जाएंगे, पीछे जाएंगे, तो कण का मूवमेंट जो होएगा वो स्प्रिंग की ही डायरेक्शन में होएगा। तो इस वेव को क्या कहते हैं हम, वो किस केस में आती है, हमारी लॉन्गिट्यूडिनल वेव के अंतर्गत आती है। तो इस वेव को क्या कहते हैं हम, अनुप्रस्थ वेव है। तो क्या होगा, कण का पार्टिकल, जो कण के पार्ट जो होते हैं ना, वो उसका मूवमेंट हमारा किसकी डायरेक्शन में करता है, वो हमारी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में करता है, स्प्रिंग की ही डायरेक्शन में कण का भी मूवमेंट होगा। तो उस प्रकार की तरंगों को क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे। ये हो गया हमारा अनुप्रस्थ का तरंगों का एग्जाम्पल। तो इसलिए मैंने आपको बताया था साउंड भी किस प्रकार की वेव है,
साउंड है मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव में भी दो टाइप की मैंने बताई आपको, लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। तो मैकेनिकल में भी साउंड जो है वो कौन से प्रकार की वेव का एग्जाम्पल है, वो है लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल वेव का ही एक एनर्जी फॉर्म है। क्योंकि साउंड को जब मैं बोल रहा हूँ तो पार्टिकल, जब मैं साउंड बोला तो साउंड जो हमारा बाघ तंतु से क्रिएट हो रहा है तो पार्टिकल को क्या कंप्रेस कर रहा है, रेयरफैक्शन कर रहा है, मतलब संपीड़न कर रहा है, विलयन कर रहा है। तो जब साउंड बोल रहा हूँ तो दो धूल के पार्टिकल है, मेरे डायरेक्शन तो सेम ही है ना, तो सेम डायरेक्शन को क्या कहा था मैंने, जैसे मैंने बोले तो कण के पार्टिकल आगे मूवमेंट करे, जब पीछे से जो आगे मूवमेंट किया है, जैसे कोई खड़ा है मैं उसको धक्का दूंगा तो वो भी मेरी तरफ को कोई फोर्स लगाएगा। तो इस प्रकार से कण के पार्टिकल का मूवमेंट जब मैंने बोला तो वाइब्रेट हुआ, वाइब्रेट से एयर वाइब्रेट हुई, तो सॉरी जब एयर हमारी वाइब्रेट होगी तो वहाँ कण के जो है पार्टिकल वो आगे की साइड जा रहे हैं, और जो आगे से ही पहले मौजूद हैं वो फिर मेरे पीछे की साइड कण हो रहे हैं। तो जो हम साउंड क्रिएट कर रहे हैं उसमें भी कण आगे जाएंगे, पीछे जाएंगे, आगे जाएंगे और पीछे आएंगे। तो कण जो है साउंड के केस में भी आगे पीछे ही मूवमेंट हो रहा है। तो इसलिए साउंड क्या है, हमारा एक मैकेनिकल मैकेनिकल वेव्स है। मैकेनिकल वेव में भी हमारी कौन सी फॉर्म के अंतर्गत आती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए। तो साउंड का एग्जाम्पल बता दिया मैंने आपको, आई होप क्लियर समझ में आया होगा कि जब हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट की डायरेक्शन में ही कण का मूवमेंट भी सेम डायरेक्शन में होगा तो वो कुछ प्रकार की वेव कहलाती हैं, वो कहलाती हैं हमारी अनुदैर्ध्य तरंगे। अब ये एग्जाम्पल हुआ, अनुप्रस्थ में आ जाओ, ये दोनों दीवार की तरफ से फिक्स है और ये भी हमारा एक फिक्स दीवार की तरफ है। ये मैंने बांध दिया एक स्ट्रिंग, रस्सी या धागा बांध लिया मैंने पतला सा। जब मैं इसको खींचूंगा, जब मैं इसको खींचूंगा तो इसका क्या होगा, संपीडन बिन्नल वाइब्रेट होगा, वाइब्रेट कण होगा, तो इसमें इस प्रकार की फॉर्म बनेगी। सॉरी, जब मैं इसको धागे खींचूंगा तो ये ऊपर नीचे मूव करेगा, तो धागा की जो होगी इस तरीके से, मतलब कंडीशन जो होगी रियल, ज्यादा भी नहीं होगी तो मैंने ज्यादा साइकिल बना दी है, तो ये इस तरीके से केस में आपका धागा मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो ये धागा क्या हो रहा है, अप डाउन, मतलब ये भी होगा अप, यहाँ पे डाउन के केस में हो गया। जब मैंने धागे को खींचा तो ये अप डाउन, मैंने धागा पकड़ के नीचे खींच दिया तो ये ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, मतलब बहुत रेयर केस में ऊपर नीचे होएगा, आपको देखोगे तो सही से। तो इस तरीके से ये ऊपर गया, नीचे गया, और कण जो होंगे पार्टिकल जब हम इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो कण क्या है, हमारे धूल के पार्टिकल इस डायरेक्शन में होंगे या इस डायरेक्शन में होंगे। कहने का मतलब मेरा ये है, जो हमारा है लॉन्गिट्यूडनल तरंगे हैं, मतलब अनुदैर्ध्य तरंगे जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव में, वो जो धूल हमारे कण के पार्टिकल थे वो सेम ही डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट के मूवमेंट कर रहे थे। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये अप डाउन में भी होगा, धागा नीचे भी जाएगा ऊपर भी जाएगा, मैंने इसको खींच दिया तो हल्का सा ऊपर भी जाएगा कुछ क्षण के लिए और कुछ क्षण के लिए नीचे भी आएगा, और जो इसके धागे के धूल मट्टियाँ कण पार्टिकल हैं तो ये ऊपर नीचे जाएगा तो ये आगे भी जाएंगे और पीछे भी आएंगे। तो ये क्या हुआ, एक दूसरे के लंबवत हुआ, एक दूसरे के क्या हो गया, लंबवत। तो इस प्रकार की वेव जब फॉर्म ऑफ वेव बनती है तो कौन सी तरंगे कहलाती हैं, इस प्रकार की वेव होती है हमारी ट्रांसवर्स वेव, कहने का मतलब अनुप्रस्थ तरंगे, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आपको कि लॉन्गिट्यूडनल वेव के कण का पार्टिकल और ऑब्जेक्ट के पार्टिकल की क्या डायरेक्शन होती है, और ट्रांसवर्स वेव के कारण इसके कारण आपको क्या होती है, चीजें समझ में आ रही होगी आई होप। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएंगी ये सब चीजें, मतलब किस तरीके से ये कण के मूवमेंट का पार्टिकल इधर से उधर हो रहा है। और चलो मैं कुछ बता देता हूँ टाइप्स ऑफ साउंड, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एक दो चैप्टर से दो क्वेश्चन बन ही जाते हैं, एक दो क्वेश्चन पूछ लिया था हर एक शिफ्ट में, एनटीपीसी में पूछे ही जाएंगे जब ग्रुप डी में हुए हैं, टेक्नीशियन में हुए हैं और ये सब हुए हैं। तो साउंड क्या है हमारा, साउंड में कितने प्रकार के साउंड होते हैं बताता हूँ जल्दी से। एक होता है हमारा इंफ्रासोनिक, एक होता है हमारा इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलेंगे अपश्रव्य, अपश्रव्य ध्वनि,
और एक था ह्यूमन ऑडिएबल साउंड, जो मनुष्य सुन पाता है, ऑडिएबल ऑडिएबल साउंड। और एक होता है हमारा अल्ट्रासोनिक साउंड। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया था कल। इसका एग्जाम्पल इनका तो हर किसी को पता ही होता है किस रेंज से किस रेंज को सुन पाते हैं, बट एग्जाम्पल क्या गया, इनके एग्जाम्पल देके पूछ लिया गया था। ये तो हमारा लेस देन 20 हर्ट्ज से नीचे का जो साउंड होता है, ये ऑडिएबल, जो 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज तो होता है हमारा मनुष्य सुन पाता है। ठीक है, और ये हो जाए मोर देन 20 किलो हर्ट्स, मतलब मोर देन 20 किलो हर्ट्स से जो होता है हमारा, उसको अल्ट्रासोनिक साउंड बोलते हैं। इस साउंड को क्या होता है, एग्जाम्पल दिया है क्या, जो इंफ्रासोनिक साउंड होता है, शब्द साउंड होता है, वो उसको कौन सुन पाता है। इसका सबसे एग्जाम्पल है वेस्ट गैंडा, ये 5 किलो हर्ट्स तक सुन पाता, सॉरी 5 हर्ट्स तक की रेंज की फ्रिक्वेंसी को ये सुन पाता है। इसको बोलते हैं राइनोसोरस।